आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, कमिश्नर डीआईजी ने जिले के आलाधिकारियों के साथ इस चुनाव को लेकर गंभीर मीटिंग भी की थी। हालांकि आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर बलिया में 13 तारीख को नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान पद के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त देख चुनाव लेने के लिए ब्लॉक और तहसील पर अपना नामांकन किया। साथ ही नामांकन के दौरान ब्लॉक और तहसील के अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रत्याशियों को COVID-19 का पालन भी कराया। मेरा नाम एचएल पाल है, ग्राम पंचायत घाटमपुर। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत के नौजवान बुजुर्ग माता पिता सबके कहने पर उन्होंने नामांकन करने गई थी। मेरा पर्पज ये है कि भारत की जो आत्मा बसती है, विकास गांव से ही होना चाहिए। मैंने देश के सारे कोना का दौरा किया, देखने से ये महसूस हुआ कि जब तक गांव का विकास नहीं है तब तक कहीं का विकास नहीं है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि भारत सरकार माननीय मोदी जी के माननीय योगी जी की जो योजनाएं हैं बिना भ्रष्टाचार मुक्त गांव में लागू करें और ये दिखावे कि गांव का विकास कैसे होना चाहिए। बोली तो मेरा गांव इस ब्लॉक का नहीं, इस तहसील का नहीं, मैं मानता हूं कि जनपद में एक गांव जो होगा गरीब में वो सबसे उस नीचे का गरीबी गांव है मेरा। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं अपने गांव वासियों के अगल बगल के गांव वासियों के तरफ से आभार प्रकट करता हूं। माननीय योगी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे गांव के साथ साथ मेरे अगल बगल के गांव को भी उन्होंने सड़क की जाल बिछा दिया। लगभग 24 करोड़ रुपया 4 साल के कार्यकाल में मेरे गांव और मेरे गाँव के अगल बगल उन्होंने दिया है। मेरे अनुरोध पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और अपने गांव वासियों के तरफ से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे गांव की आप सर्वे करा लें और जिसको एक छत नहीं है एक छत दे दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार। मैं जिस गांव से पैदा हुआ हूं, शायद मैं इस जन्मभूमि को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं खंड विकास अधिकारी मनीष। सबसे पहले कोविड पे हम लोगों ने गेट पे ही एक कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जिस पे पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर रखवाया गया है। जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं सबको मास्कों का वितरण करवा दिया गया है। सबके टेबल पे सैनिटाइजर रखवा दिया गया है। इसके अलावा जलपान की और खाने पीने की भी व्यवस्था कराई गई है। ऑफिस स्टाफ और हमारे बाहर से जो अधिकारी कर्मचारी कार्य के लिए यहाँ आए हैं। धूप है, छांव की व्यवस्था के लिए हमारे दो मोटे पेड़ आप लोग देख ही रहे हैं तो उससे मिल रही है। जहां नहीं थे, जहां काउंटर बनाए गए वहां टेंट कार्यमेंट करवा दिया गया है विद बैरिकेडिंग। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन है, सारी चीज़ें हैंडल हो जा रही हैं। आज भी नामांकन हो रहा है, ये 5 बजे तक चलेगा। 15 तारीख को पुनः नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे से, फिर शाम 5 बजे तक चलेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति बचे ना। अनावश्यक लोगों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए हमने 4 जगह बैरिकेडिंग कर रखा है। एक ऑलरेडी बस स्टैंड पे, एक घाटमपुर मोड़ पे, एक यहाँ मेन गेट पे, एक यहाँ पर गेट पे, ताकि अनावश्यक ना गाड़ियाँ आए ना अनावश्यक व्यक्तियाँ आए। तो कैंडिडेट प्रस्तावक, इससे कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना भी हम लोग करा पा रहे हैं करा।